एम को उसको और मजबूत करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से तटवर्ती जिलों में गहरे समंदर में भी मछली पकड़ने के लिए हम उसको सहायता कर रहे हैं। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी 1000 सीटों की क्षमता वाला छात्रावास बनाया, मैंगलोर और बेंगलोर को स्टार्टअप का हब बनाया और इसके साथ साथ श्री नारायण गुरु आवासीय विद्यालय बनाया और लगभग 34,850 हेक्टर भूमि आदिवासी भाइयों को देने का काम हमारे बसवराज बोम्बई जी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारत सरकार ने सीढ़ी घाट में टनल रोड बनाने का काम किया, इससे पोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी सुविधा होने वाली है। एमएसपी योजना के अंतर्गत उबले हुए चावल खरीदने का काम हमारी कर्नाटक सरकार ने किया। बसवराज जी के लिए एक बार ताली बजा दो सभी लोग भाई। ये तेलंगाना वाले उबले हुए चावल नहीं खरीदते हैं और हमारे बसवराज जी उबले हुए चावल खरीदकर किसानों के साथ चट्टान की तरह बैठे हैं। मित्रों, मोदी जी ने अभी मैंगलोर दौरे में 3800 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं की नींव डाली। मैंगलोर पोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए 5 योजनाएं 1000 करोड़ की हम लेकर आए और मैंगलोर रिफाइनरी में 1830 और 630 करोड़ का 2500 करोड़ रुपए का एक्सपांशन का प्रोग्राम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। मित्रों, कांग्रेस और जेडीएस कभी कर्नाटक का भला नहीं कर सकते। जेडीएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट, भाजपा को वोट मतलब नए भारत के नए कर्नाटक को वोट, ये बात आप सभी लोग याद करना। मित्रों, आज हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, चुनाव में मैं फिर से आऊंगा और दिल खोल कर आपसे बात करूंगा, मगर आज इस मंच से सुवर्ण जयंती के मौके पर फिर से एक बार कैंपको के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, भाई सभी लोग खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो जाइए, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक अच्छी कॉपरेटिव आपने चलाई है। आप भी ताली बजाकर इनका स्वागत करिए, जोर से स्वागत करिए मित्रों। और अंत में आप लोगों को पूछना चाहता हूं, भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, हाथ ऊपर उठाकर बनाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, बसवराज बोम्बई के हाथ मजबूत करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, पूर्ण अरब सागर और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ एक क्षेत्र परशुराम की सृष्टि के नाम से भी पूरे विश्व में विख्यात है। अनेक धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं, ये अविभाजित दक्षिण कन्नड़ के जिले के अंदर पाई जाती है। अभी अभी मैंने कांतारा देखा है, कांतारा देखकर मुझे मालूम पड़ा कि कितनी समृद्ध परंपराओं का यह प्रदेश है। बेंगलोर इकलौता शहर है राज्य का जहां समुद्र, एयरपोर्ट, रेलवे और सड़क चारों दृष्टि से व्यापार हो पाए, इस प्रकार का ये समृद्ध इलाका बेंगलोर की पुण्य भूमि को मैं बार बार प्रणाम करने को।
यहां आया हूं तब रानी अब्बक्का को भी प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ मंगला देवी और कादरी मंजूनाथ मंदिर को भी, महालिंगेश्वर मंदिर को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, देश भर में बहुत कम क्षेत्र है जो विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के बावजूद, ज्योग्राफिकल कंडीशन ठीक न होने के बावजूद, कृषि से, खेती से, एग्रीकल्चर से देश को समृद्ध बनाते हैं। सुपारी, नारियल, काली मिर्च, रबड़, काजू और धान, चावल की खेती इस क्षेत्र के किसान के पसीने की महक के साथ हमारे गुजरात के लोग आपकी सुपारी खाकर हमेशा मैंगलोर को याद करते हैं। आपके प्रदेश के साथ मेरे प्रदेश का अटूट रिश्ता है। आप पसीना बहाकर सुपारी उगाते हो, हम सुपारी खाकर पसीना बहाते हैं, दोनों के बीच में बड़ा गहरा नाता है। मित्रों, आज मैं कैंपको के सुवर्ण जयंती समारोह में आया हूं। मुझे जब निमंत्रण मिला तब मैं सोचता था जाऊं न जाऊं, मगर कैंपको की गतिविधियां जब मैंने देखी, इसकी प्रगति देखी, तो मैंने निर्णय कर दिया इस देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर के नाते इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में निश्चित जाना चाहिए, उनके प्रयासों का समर्थन, उनका साधुवाद करना चाहिए। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जनक पंडित दीनदयाल जी का पुण्यतिथि भी है। पंडित दीनदयाल जी ही है जिनके रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती। हमने गरीब कल्याण का एक यज्ञ चालू किया है, हर गरीब को घर, घर के अंदर बिजली, घर के अंदर पानी, घर में गैस का सिलेंडर, घर में शौचालय, घर में 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस और मुफ्त अनाज, और हर किसान को हर साल 6,000 रुपया ये दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत के अनुरूप है, वहीं से पैदा हुआ है। समग्र देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की समृद्धि और गरीबों के कल्याण को समर्पित है। पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद के दर्शन के अंदर ये तीनों कंसेप्ट को, ये तीनों विचारों को समाहित किया और इसको आगे बढ़ाया था। उनकी निर्मम हत्या हुई थी। आज ही के दिन मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर आज मैं उनको बड़े मन के साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रणाम करकर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर कैंपको के एग्री मॉल का शिलान्यास हुआ। 1,50,000 वर्ग फुट का एग्रो मॉल, जिसके अंदर कृषि के सारे साधन, सारी मशीनरी, कीटनाशक, उर्वरक, फर्टिलाइजर, बीज और स्टोरेज, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो, ऐसा पूरे भारत में अपने आप में एक पहला एग्री मॉल कोऑपरेटिव बेसिस पर चलने वाला है। मैं कैंपको के सारे निर्देशक मंडल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आज कैंपको ने कल्प नारियल तेल का भी प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट की लंबी सूची में जोड़ा है। कैंपको का भंडार ग्रुप,
लगभग 13,750 स्क्वायर फीट का भद्रावती में बना है, इसका भी आज उद्घाटन मुझे करने का सौभाग्य मिला है। द सेंट्रल इरकानट एंड कोकोआ मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड 50 साल पूरे किए हैं। 50 साल कोई भी संस्था जब समाप्त करती है तब उसके संचालकों की प्रामाणिकता का वो सर्टिफिकेट होती है कि कोऑपरेटिव ने प्रामाणिकता के साथ किसानों का और अपने सदस्यों का सेवा करने का काम किया है। 1973 में दूरदर्शी किसान नेता श्री वाराणसी सुब्रैया भट्ट द्वारा स्थापित एक कोऑपरेटिव आज फल फूल कर एक विशाल वट वृक्ष बना है। इसकी स्थापना हुई तब सिर्फ 3,000 मेंबर थे और आज 1,38,000 मेंबर्स के साथ एक विशाल कोऑपरेटिव बनकर हमारे सामने है, जिसका 3,000 करोड़ का टर्नओवर है। मित्रों, मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की स्थापना की और कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों की सेवा करने का, गांव की सेवा करने का एक नया रास्ता ढूंढा है। मगर केमको एक ऐसी कोऑपरेटिव है जिसने विंड मिल यूनिट और 500 मेगावाट के सोलर पैनल भी बनाए हैं। 160 ब्रांचेस के साथ, 2,000 वर्कर के साथ 2,700 करोड़ रुपए का टर्नओवर। एक केमको में आपका कितना विश्वास है, भरोसा है, उसको बताता है। मित्रों, मोदी जी ने अभी इस बजट में कोऑपरेटिव के लिए हर पंचायत में मल्टी डायमेंशनल पैक्स बनाने का निर्णय किया है। 2,00,000 नए पैक्स 3 साल के अंदर भारत में बनाए जाएंगे और हर पंचायत में